तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। और गाइस, मेरा नाम है मनोज, पर आज भी मेरे साथ अतुल है। और इस टाइम हम लोग आए हैं सेक्टर 26 बटरफ्लाई पार्क में। तो एक बार देखते हैं क्या क्या मिलता है हम लोगों को यहाँ पे अंदर। 14 गाइज, यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और इस साइड भी कुछ लिखा हुआ है इन बटरफ्लाइज के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि डिफरेंट बटरफ्लाइज के बारे में यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है। और गाइज, चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। और दोस्तों, यहाँ पे लगभग 35 से 40 प्रजातियाँ की यहाँ पे बटरफ्लाइज पाई जाती हैं। अच्छा, इन्हें पेड़ पर थोड़ी अरे मैं तो दिखली हूँ नहीं उड़ी हूँ। अरे हमने बटरफ्लाई से है ना, लग लग ये देखते से क्लोज अप कुछ खास ये तो ज़्यादा दिखली हूँ ना, फिर आए फिर अंधी होंगी। तो गाइस, यहाँ पे है तितली घर, और देखते हैं कि एंट्री है अंदर की नहीं। बंद है, लॉक लगाया अंदर। तितलियाँ तो अंदर है नहीं, दिख रही है वैसे कुछ भी नहीं होता। प्लांट्स लगे हुए हैं, एक भी तितली नहीं है। कुछ भी नहीं है, चलते हैं दोबारा पीछे पेड़ बेचने के लिए। बहुत पेड़ है, अमरूद है। तो गाइस, लगभग आधा घंटा हमें घूमते हो गया है, लेकिन बटरफ्लाई हमें नहीं दिखी है ढंग जैसे जैसे नॉर्मल तो जैसे मिलती है हमें वैसी है यहाँ पे भी। ये कुछ है, पेड़ भी लगे हुए हैं पत्ते फोल्ड करके, तो इस कौन सा पक्षी बनाता है पता नहीं। और आज दिन कुछ अच्छा नहीं निकला हमारा, बाहर ही तो कुछ खास नहीं मिला। वहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है पिछले साइड, बड़ा है, वहाँ पे चलते हैं। अतुल हो गया दुखी। तो गाइस, बटरफ्लाई पार्क मैंने और अतुल ने सारा घूम लिया है। कुछ खास है नहीं यहाँ पे, मतलब अच्छी बात यह है कि एंट्री फीस नहीं है, यहाँ पे फ्री है एंट्री। बट फ्री में भी आई थिंक गर्मियों का मौसम की बात करूँ तो फ्री में भी नहीं आना चाहिए। फिर आम लगे हैं, आप लोगों को आम पसंद आ गया। आप लोग कह रहा कि अगले महीने दोबारा आएंगे जब आम पक जाएंगे। लीची है, आम है, पपीते हैं, खाने का सारा घूमने नहीं। तितलियाँ देखने के लिए नहीं आ रही, तितली जैसे नॉर्मल बाहर घूमती हैं वैसे ही है, मिल जाएंगे आपको तितली। मैंने सोचा था कि शायद यहाँ पे एक एरिया बना होगा और एक जाली वगैरह होगी जिसके अंदर होंगी, बट यहाँ पे आए तो कुछ नहीं है, खुला ही है, खुला ही सारा। वहाँ पर कुछ तितलियाँ यहाँ पे आपको कुछ अलग टाइप की दिख जाएंगी, बट कुछ खास नहीं है। अतुल जी से, अरे कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल पार्क है, थोड़ा जंगल है, आम है, लीची है, बस थोड़ा सा ये है कि एरिया थोड़ा शांत एरिया है। और
ठंडा है क्योंकि पेड़ ज़्यादा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा गर्मियों के टाइम की बात करें तो आप आना चाहते हो तो आज देखिए गाइस कितना शानदार ये लेक है, कितना साफ पानी, कितना साफ पानी। अतुल कह रहा कि मैं नहा लेता हूँ, जन्मों के वो याद आ गई उसी डायलॉग की, विजय राज की, गंदे नाले में कुदा दिया साला, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। छोटी गंगा इधर चलते हैं, सारे चल गए। तो गाइस इस पार्क का उद्घाटन IAS ऑफिसर के शर्मा ने किया था 21 मार्च 2012 को। तो गाइस ये था बटरफ्लाई पार्क सेक्टर 26 चंडीगढ़ में। तो जो भी था मैं आपको दिखा दिया, छोटी सी वीडियो थी, वैसे जगह काफ़ी अच्छी है और कैप्चर करने की बहुत कोशिश की मैंने बटरफ्लाई वगैरह को, बट आप लोगों को पता ही है वो जब क्लिक करने की बारी आती है वो भाग जाती है। तो जितना भी था मैंने कोशिश की और काफ़ी अच्छा पार्क है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।